प्रथम चरण के चुनाव के पश्चात मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। KO कॉलेज गुमला के स्ट्रॉन्ग रूम में सभी मतपेटियों को सील किया गया है। सोमवार की शाम गुमला उपायुक्त सुशांत गौरव में KO कॉलेज की स्थिति स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचकर मतगणना को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उपायुक्त ने बताया कि मतगणना की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। प्रथम चरण में गुमला जिले के 3 प्रखंड रायडी, सई और भरनों में मतदान संपन्न हो चुका है। काउंटिंग की प्रक्रिया मंगलवार की सुबह 8 बजे से आरंभ होगी और संभवतः वह देर शाम तक मतगणना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी प्रखंडों के लिए अलग अलग काउंटर और टेबल बनाए गए हैं। वहीं अत्यधिक भीड़ को देखते हुए विशेष तैयारियां की गई है। शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना का कार्य निर्धारित समय अवधि तक सम्पन्न होगा। मौके पर उपायुक्त ने मतगणना कार्य में लगे अधिकारी और कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। 3 प्रखंड जो है उनकी हरनो, रायडी और सिसई, इन तीनों के लिए सभी जगहों पर देखा गया, जितने भी टेबल हैं टेबल के साथ अपने चेयर वगैरह और जो बेसिक सामग्री वगैरह है उन सभी की एक बार हमने जायजा लिया। सभी चीज़ दुरुस्त हैं। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को देख लिया ताकि सभी की सेफ्टी सिक्योरिटी और जो भीड़ भाड़ छोटी छोटी संभावनाएं हैं उनको भी देखते हुए हम लोगों ने आवश्यक तैयारी की। सभी बिंदुओं को देखा, समझा और आवश्यक निर्देश दिया है। इसके अलावा एंट्री एग्जिट पॉइंट और लोगों के बीच में एक समन्वय बना रहा है, उसके लिए भी हम लोग स्ट्रेटजी अपना बना रहे हैं। आशा करते हैं कि सक्सेसफुली और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कल शाम तक जो है प्रथम चरण को पूरी तरह से हम लोग कंक्लूड करा सकेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।